थोड़ा सा चलने को है, पर बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी देखो सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे एकदम धुंध पड़ी हुई है, बिल्कुल ठंडा हो रखा है, कोहरा जमा हुआ है एकदम से। और हम लोग अभी जा रहे हैं, मैं और चिन्नू कहीं जा रहे हैं और आप लोगों को भी हम लोग साथ ले जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी बस आने ही वाली होगी बस, जिसका हम वेट कर रहे हैं, तो चलो फिर चलते हैं। तो ये आ गई हमारी HRTC बस। मंडी का व्यू यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ का है। तो पहुँच गए हम लोग मंडी में, बस स्टैंड के पास। यहाँ देखो धूप लगी हुई है और हमारे घर में छाया हुआ था कोहरा पूरा। बस स्टैंड पर तो हम लोग पहुंच गए हैं, पर अभी जहां हमें जाना है वहां की बस नहीं आई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी बस का, देखते हैं कितनी देर लगती है। तो आज पता नहीं लेट भी आएगी बस शायद, तो देखते हैं। तो हमें बस मिल गई है और अब बस चलने ही वाली है थोड़ी देर में, तो देखते हैं कहां जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखो कितनी भर गई बस, पूरी की पूरी भर गई, लोग एकदम ठूस ठूस के भर गए हैं। और चिन्नू ने छोटे से बच्चे को गोद में उठा लिया है। व्यूज़ देखो कितने सुंदर हैं इस रास्ते पे। खैर पहाड़ों में तो हर जगह व्यूज़ सुंदर ही देखने को मिलते हैं, जिस तरफ भी चले जाओ, जिस भी सड़क पे जाओ, बस व्यूज़ ही व्यूज़ हैं हर तरफ। तो यहाँ देखो सर्दियों के लिए घास काटते हैं और फिर इसको ऐसे लटका देते हैं, ये पहाड़ी तरीका है इस घास को प्रिजर्व करने का, मतलब आगे के लिए फ्यूचर में यूज़ करने के लिए गाय को खिलाते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। पहुँच गए हम लोग, अब बस यहाँ पे थोड़ा सामान ले लेते हैं, चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, अम्बिका माता का मंदिर है यहाँ पे, थोड़ा सा चलने को है पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, तो सोचा कि आप लोगों को भी लेके जाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया आज वहाँ पे, इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग जल्दी आए हैं सुबह। लेट हुई है। कोई नहीं, क्या करना। कितना अंधेरा अंधेरा रास्ता लग रहा है ना। लोग मंदिर से वापस भी आ गए और मैं बोल रही हूँ कि हम जल्दी आए हैं, ये लोग जाके दर्शन करके वापस भी आ गए, देखो छोटे छोटे बच्चे भी। हाय। जल्दी जाने के चक्कर में दीदी इतना फास्ट भाग रहे हैं कि लेसेस खुल चुके हैं और अब चलो। अच्छा नमस्ते जी। जिस हिसाब से तू दौड़ रही है ना, अगर तू गिरी ना तो सीधे डायरेक्ट मंडी पहुंच जाएगी। ये देखो कितनी स्पीड से भाग रही है ये लड़की। हम पहाड़ी हैं। हैं? मुझे लगा तू तो फॉरेनर है। देखो भाई मंदिर दिखने लग गया यहाँ से। मंदिर पहुंच गए हैं, ये देखो बिल्कुल नीचे थोड़ा सा रह गया है, जल्दी जल्दी चलते हैं। काफ़ी लोग आए हैं मंदिर में, देखो हमसे पहले ही काफ़ी पहुंच गए हैं, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हुए हैं।
पर काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे। देखो इस तरफ भी लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ भी। तो अब हम लोग भी जल्दी से धूप वगैरह जला के दर्शन करते हैं। हम पहाड़ियों का यही रहता है भाई, बाकी भी लोग मानते हैं भगवान को, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। हमारी हर चीज़, हर मन्नत, मतलब हम लोग बहुत भगवान पे, माता पे विश्वास रखते हैं। आप में से कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर हम लोग अक्सर कई काम ऐसे देवी देवताओं से पूछ के ही करते हैं। देवी देवताओं का हाथ है हम लोगों के सिर पे, तभी तो हिमाचल को, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। जगह देखो ये कितनी प्यारी है, एकदम शांत जगह है। ये चील का जंगल है, और अगर यहाँ से नीचे उतरते हैं तो मंडी में पहुँच जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से नीचे जाने का भी। मंदिरों में जाके एक बहुत ही अच्छी सी वाइब आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो हम लोग आ गए हैं अब मंदिर से, दर्शन हो गए अच्छे से, तो अब निकलते हैं घर के लिए। बस भी पता नहीं कब मिलेगी, कोई पता नहीं है, तो जल्दी से सड़क की तरफ चलते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे खजरे का पेड़। इसके झाड़ू भी बनते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना, होते हैं क्या आपके यहाँ ये? ये है मंडी, यहाँ से पता नहीं चलेगा पर यहाँ से दिखता है, ये मंडी शहर है। ये है पहाड़ी पेड़, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ तो बोलते हैं बान, ऐसे मेरे ससुराल में बोलते हैं बांज के पेड़। तो देखो आप में से कौन कौन पहचानता है इनको। तो फ्रेंड्स ये एक और पौधा दिखा है मुझे, आप बोलेंगे कि आज ये पौधे ही पौधे दिखा रही है। इसको संसरपाली बोलते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती है या जब भी कोई शुभ काम होता है तो इस पौधे की बहुत ज़रूरत होती है। जब मेरी और मेरी बहन की शादी हुई थी तो मतलब हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि ये पौधे कहाँ से लाने हैं। और मेरी छोटी बहन की शादी तो लॉकडाउन में हुई थी, पर मिल गए थे फिर भी। पर यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, बस हम लोग अब सड़क के पास पहुँचने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग सड़क पे पहुँचे वैसे ही बस मिल गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं लगभग मंडी। तो हम लोग आ गए, बस स्टैंड पहुंच गए और घर वाली बस भी मिल गई हमें। तो अब चलते हैं जल्दी से घर, टाइम भी काफ़ी हो गया है। कितना टाइम हो गया मेरे ख्याल 1 बजने वाले होंगे, आज घड़ी नहीं पहनी है ना। तो फिर निकलते हैं घर के लिए। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और बनी मुझे बहुत गुस्सा हो गया था। जब भी घर से जाते हैं तो फिर ये गुस्सा हो जाता है, फिर ये आता नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि सुबह मंदिर जाने के लिए कुछ खाया नहीं था, तो अब कुछ खाएंगे। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय। बाय बाय करो बेटू, मनी से बाय बाय, मनी बाय बाय कर दो, मनी मनी बाय बाय। Bye bye. Okay, bye bye. Okay. चलो चलो।